मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र स्थित एसी फ्रिज के गोदाम में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। कम पेशियों के फटने से हो रही आवाजों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आसपास के घरों को खाली कराते हुए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। पिछले दिनों दिल्ली में हुए अग्निकांड की याद आज मुरादाबाद में उस समय ताज़ा कर दी जब कोतवाली क्षेत्र स्थित कंजरी सराय जैसे रिहायशी इलाके में मौजूद एसी और फ्रिज के बड़े गोदाम में भीषण आग लग गई। एसी के कंप्रेसरों ने आग पकड़ी तो इलाके में जोरदार धमाके शुरू हो गए जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल जिस बिल्डिंग में गोदाम बना हुआ था वह 4 मंजिले बिल्डिंग है और उसके निचले हिस्से में गोदाम था। वहीं ऊपरी मंजिलों में परिवार रह रहे थे जो वहीं फंस गए। आग की सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और भीड़ जमा होने लगी और कुछ देर बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया और घरों में रखे LPG के सिलेंडर भी निकालने शुरू कर दिए। वहीं गोदाम में लगी आग अपना भयानक रूप दिखा रही थी जिससे 20-25 मीटर तक की लपटें उठ रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौका पाते ही गोदाम को खाली करना शुरू कर दिया लेकिन कुछ देर बाद फिर आग ने विकराल रूप दिखाते हुए जोर पकड़ लिया। मौके पर मौजूद पुलिस लाउड स्पीकर के द्वारा हटाती रही लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। क्या मामला था सर, जो आग लगी है कैसे लगी है? आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया लेकिन यहाँ पर आग लगने जिसके फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुला लिया गया है। ये सब आप भी आ रहे हैं जो उनकी टीम पूरी लगी हुई है जो लॉ एंड और प्रशासन के लोग हैं सब लोग मौजूद हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। अब ज्यादातर आग पर काबू पा लिया गया, थोड़ा बहुत बचा है। कितने देर से लगी यहाँ? इसमें कुछ गोदाम पे कुछ और सामान थे पूरा नहीं पता था इसमें क्या क्या सामान है। किसी के कोई घायल होने की सूचना या कुछ इस तरह में कोई कैजुअलिटी या किसी को इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। सब सब टोटल है सामान का। सर कितने देर तक लगती है? सर ये गोदाम मालिक था क्या? इसमें NOC थी अग्निशमन द्वारा इतना बड़ा गोदाम था? कितनी गाड़ियाँ हैं? जो कंजरी सराय मोहल्ला है मुरादाबाद में, यहाँ पर हमको सूचना मिली सीओ साहब के माध्यम से कि एक आग लगी है प्लास्टिक के गोडाउन में, उसकी सूचना थी। लेकिन आकर के मौके पर देखा कि जो एसी है और जो कंप्रेसर होते हैं कंप्रेसर उसका काफी भारी मात्रा में स्टोर था और गैस सिलेंडर भी काफी लंबा है। उसको किसी तरह से हमारी टीम ने बड़े प्रयास से पुलिस और पूरे फायर सर्विस द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया गया। जिला प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सबका मार्गदर्शन में ये बहुत अच्छा ऑपरेशन रहा। अगर कोई कुछ भी चूक हो सकती थी तो इसमें काफी लोगों की जाने भी जा सकती थी और आग लगभग नियंत्रण में है, हमारा काम अभी चल रहा है। सर ये पब्लिक का क्षेत्र और यहाँ कॉमर्शियल इतना बड़ा गोदाम बना दिया इन्होंने, क्या इनके पास फायर विभाग की NOC वगैरह? देखो मैं बताऊँ जो सिस्टम है अभी फायर के बारे में लोग समझते नहीं है। जब आग लगती है जब लोगों की आंखें खुलती हैं वरना ये समझते हैं ये अनावश्यक चीज है। मैं जब कहता हूं तो लोग कहते हैं साहब इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है। पोलियो इंसान को अगर एक बार हो जाए क्या दोबारा जिंदगी में वो उभर सकता है? अब हमारे हिंदुस्तान में आग के प्रति सोचना बहुत जरूरी हो गया है वरना जैसे पोल्यूशन है इसी प्रकार की आग की दुर्घटनाएं बढ़ रही है और इसमें लोगों की जान जा रही है। मैं बता तो रहा हूँ आपको NOC का अब तक कोई प्रोविजन नहीं है इस तरह का कि घरों में कोई क्या काम कर रहा है और किसी के घर में जाकर के चेक भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो हमारे एक साधारण सोच और परंपरा के दायरे में है। लेकिन जो हादसे ऐसे बढ़ रहे हैं पता लगा पहले दो AC का रिपेयर का काम करते होंगे, अब यहाँ सैकड़ों रखे हुए हैं तो इसमें क्या किया जाए? सर कितने घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी फायर? मैं समझता हूँ लगभग हमको यहाँ 2 घंटा हो गया है बुझाते हुए। दमकल की गाड़ियाँ रही? हमारी 5 गाड़ियाँ थी जो हमारी शहर की गाड़ियाँ रहती हैं, हमने बिलारी से बुलवाया अपनी गाड़ी और आग काफी बुझा दिया गया लगभग। ठीक है। किसी केमिकल को पर कंट्रोल करने के लिए आग पर कुछ? हाँ जैसे कोई केमिकल जैसे कोई प्लास्टिक की आग होती है या ऑयल की आग होती है वो पानी से प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं होता है लेकिन उसको हम ऐसा नहीं है कि हम कभी भी इसको लगा दें, उसके लिए एक प्रॉपर सेफ होना चाहिए। उसका जो काम करने का एक तरीका होता है जो अगर हम उसको प्रॉपर टाइम पे यूज करेंगे तभी वो इफेक्टिवली काम कर सकता है। फोम का भी हमने प्रयोग किया है अभी कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू।